सूरज सूरज देख तेरा भाई अर्जुन सूरज अर्जुन तुम मेरे भाई को मारकर तुमने साबित कर दिया कि तुम सौतेले हो। क्या सूरज ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, चलो मेरे साथ चलो। ओ अर्जुन भीष्मा, अरे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो और वहां तुम्हारे भाई की अर्थी भी नहीं सजी। को अग्नि दो भीष्मा। ठहरो, चिता को अग्नि मैं दूंगा। जिन हाथों ने सूरज का खून किया है उनसे उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा मैं। भाई के खून से किसके हाथ रंगे ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, इस चीख का जवाब मैं भी दे सकता हूं, मगर इस वक्त मुझे अपने भाई की चिता को आग दे। भाई मत बोल उसे, तू कातिल है उसका। सैलाब बन गया है। मेरा मासूम सूरज मुझसे बिछड़ गया है। उसकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, माँ के आंसू अभी तक सूखे नहीं, और तुम दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो। माँ, इंसान को अगर लालच की प्यास लग जाए तो वो कितने ही रिश्तों का खून कर सकता है। ठीक कहा तुमने, वो लालच की ही प्यास थी कि सगे भाई तक का खून कर दिया तुमने। सूरज का खून मैंने नहीं तुमने किया है। अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते। अर्जुन, पागल हो गया तू भीष्मा? पागल मैं नहीं माँ, पागल ये हुआ है। सूरज को इसने मारा है। सूरज को मैंने नहीं, सूरज को तुमने ही मारा है। गवाही के लिए मंगल सिंह से पूछ लो तुम। मंगल सिंह ही नहीं, तुम्हारे पापों की गवाही वो वकील भी देगा।
जिसको तुमने मेरे पास भेजा था जायदाद का बंटवारा करने के लिए। वकील, बंटवारा? अब कौन सी नई चाल चल रहे हो तुम? अरे तुम दोनों किस अंधेरे में हो? कौन मंगल सिंह, कौन वकील? अरे तुम दोनों को किसी ने अपनी गहरी साजिश का शिकार बना दिया है। जरा सोचो तो, जिस सूरज को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती थी तो तुम दोनों तड़प उठते थे कि उस भाई को तुम में से कोई मार सकता है। ये दुश्मनों की चाल है बेटे, ये मेरे घर के चिरागों को बुझा देना चाहते हैं। तुम बड़े हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ माँ, ये सारी चाल उस मंगल सिंह और उस वकील की है, और वो दोनों अब मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। तुम्हारे आंसुओं की कसम है माँ, सूरज के कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, कातिलों को सजा तुम नहीं, कानून देगा। भाई की मौत का इंतकाम कानून का इंतजार नहीं कर सकता अर्जुन। नहीं बेटे, अर्जुन की बात सुन, मुजरिमों को सजा कानून ही देगा। अर्जुन का अपाहिज कानून मुजरिमों तक नहीं पहुंच सका माँ। फिर भी तू कहती है तो मैं इंतजार करता हूँ, लेकिन सिर्फ चंद दिनों तक, उसके बाद इंसाफ करेगा मेरा कानून। ओए, ये तो कुछ इस साले इधर ही चला आ रहा है, जरा होशियारी से। इसको जानते हो तुम? ये तो सूरज ही साहिब, ये तो कई दिनों से यहाँ पर आया नहीं है। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो इसका कत्ल हो चुका है। कत्ल? ओए हम कसम से कुछ नहीं जानते इसके बारे में। मगर मैं पता कर लूंगा। इस महीने के 10 तारीख को सूरज का कत्ल हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त यहाँ ड्यूटी पे कौन कौन था। एक तो हम दोनों था साहिब, और बस ड्राइवर भी था, इसमें सूरज भी शामिल था। बाकी के 4 ड्राइवर कहाँ हैं? उनका बुलाओ, मैं उनसे पूछताछ करना चाहता हूँ। अब हम उनको कहाँ ढूंढेंगे साहिब? मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले वो लोग वहां पहुंच जाने चाहिए, समझे? सलाम साहब, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। शिंदे, मुंबई पुणे हाईवे पर गुजरने वाली हर गाड़ी, हर ट्रक की चेकिंग होनी चाहिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के जानी चाहिए, समझे? राइट सर। सर, जिन 4 ट्रक ड्राइवरों को आपने बुलाया था वो लोग आ गए हैं सर। कहाँ है वो लोग? लॉकअप में। चलो। बताओ, सूरज के कत्ल के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? हम लोग कुछ नहीं जानते साहब। हवलदार, तुम लोग सब बाहर जाओ, मुझे इन लोगों से कुछ पूछना है। बाहर जाओ सब लोग। इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। अरे साहब, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। क्या है साहब, अंदर क्या चालू है? अंदर हमारे साहब क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तुम अपना काम बताओ। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है साहब। कब तक फ्री हो जाएंगे? अच्छा, मुझे
बता सूरज को छोड़ दीजिए ना साहब, इतनी बेरहमी से छोड़ दीजिए। कल को अगर ये फोड़ में पहुंच गया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सर, प्लान के मुताबिक हमने हर जगह रेड डाली, लेकिन कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। सर, आपने जो मंगल सिंह का हुलिया बताया था, उस हुलिया का भी कोई आदमी नहीं मिला। लेकिन सर, कुछ दिन पहले मालाड पुलिस को एक लावारिस लाश मिली है, जिसका हुलिया मंगल सिंह से काफी मिलता जुलता है। कोई फोटो? यह है उस लाश की तस्वीर। तुम जा सकते हो। मंगल सिंह ही वो जरिया था जो कातिलों तक पहुंचा सकता था। लेकिन अब भीष्म भैया को क्या जवाब दूंगा?